सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे टाइप करना है आपको KU एडमिशन, ठीक है। KU एडमिशन आपको गूगल पे टाइप करना है, तो सबसे पहले जो ऊपर लिंक आएगी ये आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने जूम करिए, आपको इस पर क्लिक करना है। तो मैं सारी स्टेप्स आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरने हैं। तो देखिए ये इसकी होम स्क्रीन आ गई है, ठीक है। अभी थोड़ा नेट मेरा लग रहा है स्लो है, तो आइए इसको थोड़ा ओपन होने दीजिए। तो ये सारे जो फॉर्म आपको कुमाऊँ यूनिवर्सिटी के कैसे भरने हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, तो मेरे साथ आप बने रहिएगा। इससे पहले चैनल पर नए हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार दोस्तों, क्योंकि ऐसी एक्साइटिंग वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। हमको लग रहा है थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो इसको मैं डेस्कटॉप मोड में कर लेता हूँ, आप भी इसको डेस्कटॉप मोड में कर लीजिए। जी हाँ, अब ये देखिएगा डेस्कटॉप मोड में काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो आप भी अपने, तो आप यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको कोई भी, अगर आपको MBA में एडमिशन लेना है तो आप MBA में एडमिशन ले सकते हैं, देन आपको BA BSc BCom में उसके लिए एडमिशन ले सकते हैं, देन अप्लाई, देन MA MSc MCom में लेना है तो उसके अलावा एडमिशन, देन आपको अप्लाई फॉर प्रोफेशनल डिग्री यानी कि BTech MTech या फिर MSc वगैरह लेना है तो उसके लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो मैं कोई एक आपको लेके दिखा देता हूँ, जैसे मैं इसमें दिखाता हूँ BA BSc BCom यानी कि अंडर ग्रेजुएट में कैसे एडमिशन लेना है उसके लिए, ठीक है। तो ये ओपन हो रहा है, तो नेक्स्ट पेज में आपको रिडायरेक्ट करेगा, तो थोड़ा सा आपका नेट की स्पीड थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, डेटा ख़त्म मत कर देना भाई लोगों, ठीक है। इससे पहले चैनल पे मुझे यार सब्सक्राइब कर लिए हो ना, चलो कोई बात नहीं, बाकी इंस्टा और ट्विटर पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हो। ये देखिए इसका होम पेज आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रेस नोट है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, देन आप यहाँ पे देख सकते हैं होम इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट डेट वेटेज पे फीस अप्लाई ऑनलाइन रिप्रिंट, बाद में आप इसको ले सकते हैं, देन आप अपने डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म को, चेक अपने उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन में जाते हैं, जैसे ही हम इंस्ट्रक्शन में क्लिक करेंगे तो इंस्ट्रक्शन हमको ध्यान से पढ़ लेना है। तो इंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले आपको ₹50 की इसमें ट्रांजैक्शन फ़ीस या जो इनकी ऑनलाइन बैंकिंग चलान है इसको पे करना होगा, उसके बाद ही आप अगले नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस पे आपको फ़ीस करनी है ₹50, देन आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, देन उसको फिर डाउनलोड एटलीस्ट करना, तीन स्टेप हैं, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। सबसे पहले आपको ₹50 की फ़ीस देनी है, देन आपको उसके बाद अगले स्टेप पे जो 12 नंबर के डिजिट का, आई थिंक 12 नंबर का ये ना, हाँ जी 12 नंबर का जो डिजिट का आएगा नंबर उसको फिल करना है, और उसके बाद आपने सारी डिटेल्स अपने फॉर्म में भरनी है, देन आपको लास्ट में अपना जो है फॉर्म डाउनलोड करके सेव कर लेना है। अब मैं आपको एक एक करके इसमें स्टेप बता देता हूँ। जैसे पहले हम जैसे इम्पोर्टेंट डेट्स में जाते हैं, तो मैं एक बार आपको डेट ऑफ बता देता हूँ, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिए। तो 8 जुलाई से सारे फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, अब बाकी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा मैं आपको बता देता हूँ, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। कॉपी ऑफ हाई स्कूल सर्टिफिकेट, ठीक है, कॉपी मार्कशीट, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब जो आप एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एट मीन्स BA BSc BCom के लिए उसके, देन कैटेगरी अगर आप उसके लिए एलिजिबिलिट हैं, देन NCCS या फिर NCS यानी कि कोई स्पोर्ट्स का अगर उसके पास आपका हो, देन एफिडेविट अगर आपका कोई ईयरली गैप हो, और या फिर सब कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट, यानी कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ लेके चलने हैं, तभी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ, अब मैं आपको ले चलता हूँ सबसे पहले पे फी पर, क्योंकि जब हम फी पे करेंगे उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अब इसमें आपको फी पे कैसे करना है, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, ध्यान दीजिएगा आपका वही नाम होगा होना चाहिए जो आपके आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में, एक भी अक्षर अगर इधर उधर मतलब वर्ड इधर उधर हुआ तो आप तो फिर गए, ठीक है। उसके बाद आपके फादर का नाम, देन आपकी डेट ऑफ बर्थ जो हाई स्कूल में होगी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ सारा कुछ आजकल डिजिटलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। तो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही दीजिएगा जो वैलिड हो और जिसे आप लगातार यूज करते हो, देन फोटो आपको अपनी चूज करनी है क्योंकि यही डायरेक्ट आपकी रिडायरेक्ट होकर फॉर्म में जाएगी, देन सिग्नेचर यहाँ पे यूज करनी, देन आप देखिएगा आपकी फ़ोटो लगभग 200 KB के आसपास होनी चाहिए और सिग्नेचर आपके 50 KB, और यहाँ पर पे फी लिखा है आपको, यहाँ पर पे यहाँ पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर पे फी का क्लिक कर देना है। अभी मैंने डिटेल नहीं भरा है इसलिए ये मुझसे सारा डिटेल मांग रहा, तो मैं बैक जाऊँगा, ठीक है, ओके फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मेरे को जस्ट मैं आपको ये एज ए एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ, तो आप इसको अगर कोई
दिक्कत आ सकती है तो मुझे कॉन्टैक्ट करेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप कर लेंगे, बाकी मुझे इंस्टा और ट्विटर पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो आप, वहाँ पर आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा यार, लेकिन फॉलो ज़रूर कर लेना। उसके बाद जैसे ही आप अप्लाई ऑन पे क्लिक करते हैं, नंबर टू मैंने ऑलरेडी जो आपको तीन स्टेप बताए थे, पहला फी, दूसरा अप्लाई, तीसरा प्रिंट। तो जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 12 नंबर का ट्रांजेक्शन आपको डिजिट भरना पड़ेगा, देन आपकी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट वही जो आपने फ़ी पे करने के टाइम पे भरी थी, वो एक तरह से आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी है। देन आपको इसको सबमिट करना है, आपका फॉर्म भरा जाएगा और उसके बाद लास्ट में आपको चेक स्टेटस, फी स्टेटस पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका फ़ी पेड हुआ या नहीं हुआ, यहाँ पे आपको हो जाएगा। देन इसको हम बैक आते हैं, बैक आने के बाद हम आपको लास्ट में जो हमारा फॉर्म है वो आपको डाउनलोड करके रख लेना है, ठीक है। प्रिंट यहाँ पर प्रिंट ऑफ फॉर्म आएगा तो आपको इस फॉर्म को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ प्रिंट करके रख लेना है। तो ये हुई सारी डिटेल्स, बाद यहाँ पे डाउनलोड में जाके आप फिर से अपना सारा डिटेल्स वगैरह डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको लगेंगे यहाँ पे आप डाउनलोड के थ्रू इसको देख सकते हो। जैसे हम इसको ओपन करते हैं, लेट्स सी ये आपको ये क्या बताता है। ये आप फ्रेंड्स ये देखिए वही चीज़ बता रहा है जो मैंने आपको स्टेटस में बताया थी कि आपका हाई स्कूल, ये सब सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको सारे इसमें संलग्न करने होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा, भर लीजिएगा अच्छे से, कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे इंस्टा और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। यार चैनल पे नए हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और यार बगल वाली घंटी को दबा देना यार, सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन भी दबा देना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ कहाँ मिलेगी, ओनली ऑन पहाड़ी नौकरी पर। थैंक यू।